जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:31, 1 मिनट हुई है अभी मार्केट बंद हुए, ओनली 1 मिनट, और एक्सपायरी हो चुकी है मार्केट की। और मुझे लगा लास्ट में कुछ खींचेगा, यानी कि अब आपको क्या लगता है? आप देखो लास्ट ट्रेड कहाँ पे हुआ है इसका? बैंक निफ्टी का 615, 560 का लो है, अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं फ्यूचर की, और करंट वाले की 649 और 562। निफ्टी का करंट वाला 101 पे ट्रेड हुआ है और 78 का लो, सब अपने लोवेस्ट ट्रेंड पे बंद हो रहे हैं। एक्सेप्ट रिलायंस, अगर आप देखो तो समहाउ मैनेज टू ट्रेड एट 2105। ठीक है, तो बहुत इज्जत बचाई रिलायंस ने, आज 2000 के नीचे, 2100 के नीचे क्लोज नहीं किया, जो कि कल की क्लोजिंग है वहीं पे लास्ट में लगभग ट्रेड किया। तो रिलायंस ने आज एक रेंज बाउंड गेम खेला, अगर आप देखो तो बहुत छोटी रेंज है। बिफोर द रिजल्ट्स इफ यू सी 2146, 2082, ये अगस्त का हो गया, और करंट तो और छोटा हो गया। करंट हम लोग को करंट ही देखना है, 2139, 2075। तो बहुत छोटी रेंज में आज रिलायंस खेल गया, जबकि रिजल्ट के लिए 100 रुपया ऊपर नीचे होने का मांगता था इसको, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसको देखते हुए क्या लग रहा है? चलिए चार्ट पे जाते हैं। अभी क्लोजिंग तो आई नहीं है निफ्टी की, क्योंकि 3:32 हुए, 3:36 तक आती है क्लोजिंग, जो आधे घंटे की एवरेज क्लोजिंग आती है वो हम वीडियो बनाते बनाते आ जाएगी। तो आज शायद डाउजोन्स भी गिर गया, लास्ट काफ़ी गिरा है शायद, मेरे ख्याल में 200 पॉइंट कुछ माइनस हो गया, इसीलिए कुछ सेंटीमेंट्स डाउन कर दिए। तो दोस्तों आपने देखा, मार्केट जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। सबको 11400 दिख रहा था, लेकिन मार्केट ने कुछ और ही चाल सोची थी, और मैंने आज आपको एक सेल कॉल, ऐसा सेल कॉल दिया जो टाइमली, और मेरा बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, घबराना मत, है ना? तो ये देखिए कल इसने क्या बनाया था, स्पिनिंग टॉप। मैंने क्या बोला था आपको, कल इसने बनाया था स्पिनिंग टॉप, और आज स्पिनिंग टॉप के नीचे एक कैंडल को क्लोज कर दिया है, और अच्छी खासी डाउन क्लोजिंग आई है। तो ये तो अपने आप में एक इशारा कर रहा है कि कल बड़ी मंदी भी आ सकती है, और कल ही 10900 छू दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आई डोंट थिंक। बैंक निफ्टी भी देख लेता, मैं अभी कुछ धमाकेदार बात बोलूंगा जो थोड़ी हंसी आएगी सबको, तो कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी देखिए, जो मैंने आपको बोला था कल कि कुछ भी हो जाए ये 21500 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, कल आपको मैंने समझाया था, बस ये हमारा बेस बचा हुआ रहे तभी हमारी इज्जत दांव पे नहीं लगेगी, वरना बैंक निफ्टी तो पूरा, फिर तो आपको 2000 पॉइंट की करेक्शन दिखाएगा अगर 21500 के नीचे। कल भी मैंने ये दिखाया था, अब सबको याद आ जाएगा जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, इसलिए मैंने बोला था जितना नीचे हो सके। सॉरी, अरे यार, पहले बैंक निफ्टी का कर देता हूँ चर्चा, फिर निफ्टी की कर डालूँगा। तो कल मैंने आपको दिखाया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये शोल्डर बनाने के लिए पूरा तैयारी हो गया है। अब अगर कल ब्रेकडाउन आया था 21500 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर ये 19000 का टारगेट हो जाएगा, जो कि मैंने कल भी बोला, अगर 21500 टूटा क्लोजिंग बेसिस तो फिर बाबा जी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने नेक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने कल शायद ही किसी और चैनल ने इसके बारे में जिक्र भी किया होगा, तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, मैंने तो बाकायदा आप लोग को कल भी दिखा दिया था। ये 21500, जब तक 21500 के ऊपर है तब तक कोई डर नहीं है। अब मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है, वो बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया शोल्डर लेफ्ट, और ये हो गया इमेजिनरी हेड। ठीक है, इमेजिनरी क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये हो गया राइट शोल्डर। अब एक ब्रेकडाउन आने में सिर्फ एक कैंडल, जो कि ऐसी वाली रेड कैंडल जिसकी बॉडी आधी यहाँ होनी चाहिए, आधी यहाँ होनी चाहिए बॉडी के साथ, अगर वीक के साथ खाली इसको ब्रीच करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीक मतलब
खाली लो बना के आता है 21400 का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग 21500 के नीचे दे दिया तो फिर आप इतनी फॉल देख सकते हो, लगभग 2000 पॉइंट के नीचे फॉल देखोगे। कहाँ से? 21500 से। ये मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे एक अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इसको सेव किया है। और चलिए बैंक निफ्टी का पहले हाई लो सब बता देते हैं, क्लोजिंग तो अभी आएगी ही होगी, आ गई शायद, तो ये पैटर्न तो अभी हट जाएगा, मैं अपडेट करूँगा तो अपडेट कर देता हूँ। अब क्लोजिंग भी आ गई होगी तो मैं आपको पहले आज की हाई लो बता देता हूँ। आज का हाई है 22252, आज की ओपनिंग थी 22195, 21580 का लो बनाया, 500 का लेवल तोड़ा भी नहीं, अगर तोड़ भी देता तो खाली क्लोजिंग चाहिए हमको, बस ध्यान रखिएगा जब तक क्लोज नहीं आती हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन नहीं आएगा, और अगर ब्रेकडाउन आया तो आप 2000 पॉइंट की मंदी कर लेना, जो मैंने आप लोग को गैप काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, जो 19000 कितने वाला गैप बता रहा था मैं, 19300 वाला, 350 वाला, 19358 इसको आना ही आना है फिर, लेकिन लगता नहीं है। मुझे लगता कल एक ऐसी वाइट कैंडल बनाएगा जो सीधी 22500 की तरफ ले जाएगा, चाल तो ऐसी लग रही है, फिर भी यू नेवर नो, दिस इज मार्केट, और जब मंदी आती है तो बोल के नहीं आती दोस्तों। और आज का सेल कॉल वाज द मोस्ट परफेक्ट वन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो कल के लिए मेरा व्यू है बैंक निफ्टी का, इफ 21500, क्योंकि ऑलरेडी उसी वर्ज पे खड़ा है ये, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन इट इज ट्रेंडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द एज ऑफ ब्रेकडाउन इट इज ट्रेंडिंग, 646 इज द क्लोजिंग टूडे, 21646, आवर स्टॉप लॉस नाउ इज 21500, बिलो 21500, दैट इज आवर स्टॉप लॉस, आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखने से कई लोग मानते नहीं है, अरे सर मैंने थोड़ा नीचे लगा दिया, नीचे लगाने का नहीं, आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि मैंने कल बोला था वही रिपीट कर रहा हूँ, इज एनी क्लोजिंग बिलो बिलो 21500, टारगेट इज 23200 टिल कमिंग फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक का टारगेट ही है, एंड टुडेज क्लोज इज 21640। तो आप देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है अगर आप देखो तो कल भी यही बोला मैंने, आज भी मैंने सेल कॉल दिया था निफ्टी का, तो मुझे पता था बैंक निफ्टी भी 22000 के काफ़ी नीचे आएगा, तो और लेकिन मुझे लगा था एक बाउंस बैक रैली अच्छी खासी आ जाएगी, लेकिन आई नहीं, तो आई वॉज बुलिश ऑफ बैंक निफ्टी और स्टिल आई एम बुलिश अनटिल अनलेस 21500 तोड़ देता है, तो मैं फिर 2000 पॉइंट की मंदी के लिए खेलूँगा, लेकिन लगता नहीं है मुझे। एंड क्या बोला था मैंने, टिल फ्राइडे एंड टू डेज क्लोज इज 21, ठीक है ये बस इतना काफ़ी है। और एक चीज़ लिख देता हूँ, एंड इफ ए क्लोजिंग कम्स बिलो 21500 देन अनदर 2000 पॉइंट्स फॉल कैनॉट बी डिनाइड। ये आप पढ़ लो दोस्तों, मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ, और बहुत ही एकदम नाजुक मोड़ पे खड़ा है, और मैं अब आपको एक बोल देता हूँ कि कल मार्केट इस वीक का हाई तोड़ेगा निफ्टी में, इस वीक का हाई कितना था 343। चलिए निफ्टी का भी देख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, तो अब इसको क्या करना है बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का इस वीक का हाई कितना है पहले ये देख लेता हूँ मैं,
एक दो तीन चार पाँच, तो दिस वाज द टॉप 22,854। तो क्या कल 1,200 पॉइंट बढ़ के इसको तोड़ देगा मार्केट बैंक निफ्टी का? अगर आज 22,216.46 पे बंद हुआ और इस वीक का अभी तक का ओपनिंग जो था वही हाई था 22,854, तो इसका मतलब कल इसको तोड़ने के लिए 1,200 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, इस हाई को तोड़ने के लिए। और फ्राइडे हमेशा एक सरप्राइजिंग डे होता है, और जब भी मैंने बुधवार और गुरुवार को मंदी देखी है तो फ्राइडे एक बड़ी तेजी का दिन आता है। तो ऐसा लगता है मुझे ऐसा बन सकता है, 23,000 भी छू सकता है कल मार्केट, तो 1,400 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा तब मार्केट को, 1,400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का। तो लेट अस सी टुमारो कि सच होता कि नहीं, और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस भी है, और स्टॉप लॉस हुआ तो मैं फिर मंदी कर लूँगा इसमें, जो कि मेरा पहले वाला टारगेट जागृत हो जाएगा, जो ये गैप है, दिस वन गैप, दिस गैप, ठीक है। ये गैप की डेट भी बता दूँ आपको, ये आप देख सकते हो 29 मार्च को इसने हाई बनाया था 19,358, और अगले दिन का आप लो देख लो 6,32 का लो। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी एक चीज़ अच्छी हुई है अब मैं आपको वापस से याद दिला दूं, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले 5 दिन का लेवल बताया था 240 के ऊपर, कल भी बोला था अगर क्लोज करेगा तभी काम का है वरना बेकार है, 240 के ऊपर नहीं कि आज भी गया था, आज भी 240 के ऊपर, लेकिन लेकिन इसने एक चीज़ अच्छी की है दोस्तों, इसने जो 11,056 का लो बनाया था पिछले वीक में उसको बचा लिया, 11,056। तो क्या था लो पिछले वीक का? ये मुझे याद रहता है 22,007 का लो था, 22 जुलाई का। तो आपको निफ्टी में मैं देता हूँ, निफ्टी का भी सिंपल है, मुझे लगता है कल निफ्टी इस हाई को तोड़ देगा, जो 343 का हाई बनाया ना, 341 का, वो कल तोड़ देगा। जबकि आज बहुत नीचे क्लोज हुआ, आज का क्लोजिंग देखते हैं, 11,102 की क्लोजिंग आई है। 343 के लिए इसको कल 250 पॉइंट जाना पड़ेगा, 250 पॉइंट प्लस 250 पॉइंट्स। तो लेट अस सी टुमारो, तो मैं कल का ही टारगेट दे रहा हूँ 343 प्लस, और मेरा स्टॉप लॉस भी देता हूँ एक्चुअली कल का और मंडे तक का, बस 2 दिन का टारगेट फॉर निफ्टी स्पॉट टुडे क्लोज डेट 11,102 एंड इट मेड ए लो ऑफ, क्या लो बनाया इसने आज, एक सेकेंड, आज का लो कितना, 11,084, इलेवन जीरो एट्टी फोर। कल भी मैंने आप लोग को बोला था जब भी 149 कट जाए तो फिर नीचे आएगा, फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट 056 है, याद आ जाएगा आपको, कल का वीडियो देख लीजिए। 149 टूटना नहीं चाहिए मैंने आपको बोला था, याद है, 149 टूटते ही, क्यों 149 बोला था, क्योंकि इस स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो था 149, जो कल की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी उसका लो था 149, याद आ गया आपको। तो वो टूट गया तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मैंने कहाँ बोला, 11,056, जो कि 22 तारीख का लो है, तो आज वो बचा लिया उसने, इसलिए कल एक बड़ी तेजी की लगभग कंफर्मेशन है, बट फिर भी 56 के नीचे स्टॉप, बट इट सेव्ड 11,056 विच वॉज 22nd जुलाई लो। नाउ विथ ए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ
11055 क्लोजिंग बेसिस, मतलब इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इंट्राडे में गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कैन टारगेट 11370 टिल कमिंग ट्यूसडे। मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कल ही हो जाएगा, 341 का जो हाई है, लेकिन फिर भी मैं टाइम ले रहा हूँ 3 दिन का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि कल ये फिर से एक रिवर्सल गेम खेलेगा, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे हमेशा सरप्राइज करता है। मैंने कई बार प्रूव किया, एक एक दिन में 250 पॉइंट बढ़ा, आपने पहले भी देखा। तो कल अगर 250 पॉइंट बढ़ जाता तो 341 का हाई टूट जाता है, जो कि अभी तक का हाई है इन दिनों का, जो कि कल ही बना था, है ना, कल ही बना था 341, तो उसको कल तोड़ सकता है। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना, 11056 का लो क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटना चाहिए। अगर लो आता है, लो हो सकता है ये 11030 का लो बना दे, ताकि बहुत लोगों की पोजीशन कट जाती है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता है, तो ये आप देख सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में क्या फॉर्मेशन हो रखा है। तो पहले मैं निफ्टी का देख लेता हूँ, वीकली निफ्टी में एक बियरिश कैंडल बनने को तैयार है वीकली में, लेकिन कल इसकी पूर्ति होगी तो ये बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है, अगर कल मार्केट 341 के ऊपर क्लोज कर दे, समझ में। क्योंकि इसकी ओपनिंग इसका लो है, इसकी ओपनिंग क्या थी, सॉरी, इसकी ओपनिंग है, ओहो ये ऐसे बन जाएगा फिर, इसकी ओपनिंग 225 है, तो इसको किसी भी हालत में 225 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, नहीं तो ये गई भैंस पानी में, ठीक है। कल और बैंक निफ्टी, बाबा ये तो बहुत खतरनाक मोमेंट में आ गया। बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में 22,660 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तब कुछ फायदा है। तो 21,600 चल रहा है यार, ये तो कहाँ 1,000 पॉइंट कल खींचेगा क्या यार, बहुत मुश्किल है, नहीं तो कम से कम भी इस क्लोजिंग को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये क्लोजिंग क्या थी, 21,966 के नीचे अगर क्लोज हो गया कल, 21,966 के नीचे, तो भी ख़राब है बैंक निफ्टी। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस वही है जो मैंने बोला, ये मैं वीकली बेसिस से बता रहा हूँ। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों में, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, हैप्पी फ्राइडे फॉर टुमोरो एवरीवन, एंड टुमोरो एक्सपेक्टिंग ए वेरी बिग बुलिश डे, बट द स्टॉप लॉसेज आर ऑलरेडी गिवन, सो बी टेक केयर ऑफ स्टॉप लॉस। फिर से याद दिला दूँ, 21,500 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस है, बैंक निफ्टी 11,055 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है निफ्टी, और कल एक बड़ी तेजी वाला दिन, 100 में से 90% मैं श्योर, 10% भोलेनाथ पे छोड़ दो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।